तो उस इमारत को बनाने में, उसकी शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और फिर जब वो अपने उरूज पर होती है और जब वो मुकम्मल हो जाती है तो फिर इंसान उस इमारत, उस बिल्डिंग से फ़ायदा उठाता है, उसमें आराम करता है, उसे देखकर खुश होता है, सुकून हासिल करता है। तो एक तो शुरुआत करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब भी आप कोई मकान बनाना चाहें, कोई बिल्डिंग तैयार करना चाहें, तो शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस बिल्डिंग के अंदर अगर कहीं गड़बड़ हो जाए, कहीं के टाइल्स टूट के गिर जाएं, कहीं को पानी लीक हो जाए, कहीं का मसाला उतर के गिर जाए, तो आपको फिर मेहनत करनी पड़ती है उसको संवारने के लिए, कि जो कमियां हो गई, जो कोताही हो गई, उसको दूर करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो एक तो बिल्डिंग तैयार करने के लिए, और अगर उसमें कहीं कमी आए तो दूसरी मेहनत करनी पड़ती है उस कमी को दूर करने के लिए। यही तरीका इंसान के मामलात का है, यही तरीका दीनी कामों का है, कि जब आप दीन का काम शुरू करना चाहते हैं और शुरू करते हैं तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब अंग्रेजों का जमाना था तो तमाम मदरसे इधर उधर हो गए थे, तमाम मदारिस बंद कर दिए गए, अंग्रेजों की तरफ से बहुत जुल्म हुआ, बहुत सारे उलमा को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, मुसलमानों के अंदर इर्तिदाद आम हो गया, दीन छोड़ छोड़ करके भागने लगे, कलमे तक याद नहीं थी उन लोगों को, होंगे कहां से कि बताने वाला कोई। और ये बात समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आज के जमाने में बहुत आसानी से इस बात को समझा जा सकता है। बड़े पैमाने पर आज आप देखते हैं कि जरा जरा सी बातों पर कि बस ठीक है हम तो इस्लाम छोड़ देंगे, और बहुत सारी बच्चियों ने तो आपने देखा ही होगा, और अभी एक साहब का मसला तो इतना हाईलाइट हुआ कि आपने देखा ही होगा कि उन्होंने नाम बदल लिया। तो बहरहाल जब किसी चीज की हक्कानियत, किसी चीज की हकीकत, उसकी कदर मंजिलत कीमत जब बयान करने वाले नहीं होंगे, समझाने वाले नहीं होंगे, तो लोगों का जहन फिर उस तरफ ज्यादा नहीं सोचता है, और दुनिया की जो रंगीनियां, जो ताकत होती है, उसकी तरफ जहन ज्यादा जाता है और उसी को कबूल करता है। तो इसी तरह उस वक्त अंग्रेजों का बड़ा गलबा था, बड़ी ताकत थी उन लोगों की, तो लोगों में बहुत ज्यादा दीन की कमी हो गई, नमाजें याद नहीं, कलमे याद नहीं, इस्लाम के क्या तौर तरीके हैं, इस्लाम क्या चाहता है, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, लोगों को कुछ मालूम नहीं। तो ऐसे वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह दारुलूम का क़याम हुआ ताकि मुसलमानों के ईमान की, अकायद की हिफाजत की जा सके, उलमा पैदा हों, वो उलमा उन आवाम के दीन को गरमाएं, उनके ईमान को बचाएं। तो उन्हीं उलमा में से एक आलिम दीन हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी पैदा हुए, वो भी खड़े हुए, वही दारुलूम के फारिगीन में, वही दारुलूम के फैज याफ्ता, और खड़े ऐसे हुए कि जब लोगों की हालत देखी और देखा कि उम्मत के दरमियान से ईमान निकलता जा रहा है, लोगों को ईमान की कोई कदर मंजिलत ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं कि वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, जरा जरा सी बातों में अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे जाकर के उन लोगों की मुखबिरी कर रहे हैं, अपने ईमान को बेच रहे हैं, गैरों की पूजा शुरू कर दी है। तो हजरत को देख करके ये हालात बड़ी तशवीश हुई, बड़ी बेचैनी हुई। अब हजरत को रातों को नींद नहीं आती, बेचैन, परेशान, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए जो लोगों के दरमियान में जाकर के बात हो और उन्हें बताया जाए कि तुम्हारा ईमान क्या है, जो तुम गलत तरफ जा रहे हो उससे कैसे बचना है, कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा, परेशान। रात को सोने के लिए लेट जाते, बैठे हो जाते, टहलने लगते अपने घर के अंदर, बीवी ने मालूम किया क्या बात है, क्यों परेशान है, कहने लगे कि बस ये समझो कि ये परेशानी मुझे मालूम है, मुझ तक रहने दो, अगर तुम्हें भी वो दर्द मालूम हो गया तो फिर तुम्हें भी नींद आनी बंद हो जाएगी, फिर इस घर के अंदर दो लोग जागने वाले हो जाएंगे। अल्लाह के नबी की उम्मत जहन्नम की तरफ जा रही है, उनको कोई संभालने वाला नहीं है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत की थी इस उम्मत के लिए, कौन संभालेगा इसको। कभी दिमाग में आता उनके के कोई मदरसा कायम किया जाए, फिर सोचते कि अगर मदरसा कायम किया जाए तो उसमें तो चंद लोग आएंगे, बाकी उम्मत का क्या होगा। कभी दिमाग में आती कोई स्कूल खोला जाए, स्कूल खोला जाए तो चंद लोग आएंगे, बाकी का क्या होगा। बहरहाल अल्लाह ने एक तरतीब हजरत के जहन के अंदर ये वो डाली जो हमारा जमात का काम है, दावत तबलीग का काम है,
کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے. شروع شروع میں بہت زیادہ محنتیں کی لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں آیا, بڑے مایوس ہوئے, لیکن بہرحال کام کو نہیں چھوڑا. لیکن پھر اللہ نے بڑا عروج دیا, بڑا عروج دیا. وہ دعوت و تبلیغ کا کام حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو شروع کیا, اور اللہ کی توحید, اللہ کو ایک ماننا, اللہ پر ایمان اور یقین کو جمانا, اس کے لیے لوگوں کے درمیان پھیل کر کے حضرت نے محنت اور کوشش شروع کی. اور بڑی عجیب عجیب کارگزاریاں, یعنی عجیب دھن تھی, نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے. جب دیکھا کہ لوگ ملیں گے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں, لوگوں سے معلوم کیا کہاں ہیں کہ فلا جگہ کھیت پر کام کرنے کے لیے گئے ہیں, آپ کھیت پر ہی پہنچ گئے اور ڈول پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ارے بھائی الیاس کیسے آئے ہو, لوگ معلوم, ارے آپ سے ذرا بات کرنی ہے, تھوڑی دیر آپ سے بات کرنی ہے, ارے ابھی ملوں گا میں, ابھی میں ذرا تھوڑا سا جتائی کر رہا ہوں, ابھی میں ہل چلا رہا ہوں, ابھی ملوں گا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں بیٹھا ہوں. قربانی دیکھیے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے نا, 10 منٹ, 5 منٹ, 20 منٹ, 1 گھنٹہ, تو وہاں بیٹھتا ہے جہاں اس کا فائدہ ہے. یا تو اس کو یہ معلوم ہو کہ میں بڑے آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوں تو ذرا میری بھی ہوا بن رہی ہے, یا تو وہاں بیٹھتا ہے, یا جہاں اسے معلوم ہوتا ہے 2 پیسے کا فائدہ ہو وہاں وقت لگاتا ہے. لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہیں جہاں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو دین کی بات پہنچانی ہے, بیٹھے رہتے ہیں, حضرت ڈول پر بیٹھے ہیں, 1-1 گھنٹہ, 1.5-1.5 گھنٹہ دھوپ میں بیٹھے ہیں, یہاں تک کہ لوگ بعض بعض الٹا سیدھا بھی کہہ کے بھگاتے تھے, تجھے یہی کام پڑا ہے یار, لیکن حضرت سنتے, کیونکہ اس کام کے اندر اخلاق کو بڑا دخل ہے. دعوت و تبلیغ کے کام کے اندر اخلاق کو بڑا دخل ہے, اس کی بنیاد ہی اخلاق پر رکھی گئی. لوگ جو کہیں سن لینا ہے, لوگ گالی دیں سن لینا ہے, لوگ الٹا سیدھا کہیں برداشت کر لینا ہے, لیکن ہمارا تو ایک مقصد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے وہ ان کو پہنچانا. اب تم ہمیں گالی دو, تم ہمیں برا بھلا کہو, تم دھکے مار کے نکالو, تم جو چاہے کہو, بس یہ پیغام سن لو, یہ اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے یہ سن لو. یہ دھن تھی. بہرحال جب وہ کام سے فارغ ہو جاتے تو بیٹھ کر کے ان سے بات کرتے, انہیں بتاتے کہ ہم دنیا میں آخر آئے کیوں, ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے, آخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں راتوں کو رو کر کے ہم لوگوں کے لیے محنتیں کی ہیں, کہ میرے اور آپ کے نبی چاہتے تھے کہ ہر امتی جنت میں جانے والا بن جائے, جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے, بس یہ فکر تھی. آج ان فکروں کو, آج امت کے لیے رونے والا کوئی نہیں ہے. میں آپ کے پاس میں جو آیا وہ دعوت لے کر آیا ہوں کہ آپ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن. اس طرح حضرت نے یہ کام شروع کیا, اور بڑی کوشش اور بڑی جد و جہد, دن رات 24 گھنٹے سونا اٹھنا بیٹھنا, لوگوں کی بھلائی کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے, بس جہنم سے بچ کر کے جنت میں جانے والے بن جائے. اور اللہ کی ذات پر یقین کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے, کام چلانے والا اللہ ہے, کاروبار چلانے والا اللہ ہے, موت زندگی دینے والا اللہ ہے. یہ تمام چیزوں میں جو امت کا ایمان اور یقین کمزور ہو گیا تھا, تو اس وقت میں دعوت و تبلیغ کی محنت شروع ہوئی, اور اس محنت کو لے کر کے آگے بڑھا لیا. میں نے بتایا تھا کہ محنت کرنی پڑتی ہے, جب آپ کوئی بلڈنگ تیار کر رہے ہوں تو اس کو تیار کرنے میں, اور جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو اس کی خوبصورتی لوگوں کو معلوم ہوتی ہے, اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو دعوت و تبلیغ کا کام چلا اور بڑا فیض ہوا کہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. اور ہوتا یہی تھا کہ اس میں پیسے کا کسی کا کوئی لالچ نہیں, بھائی وقت بھی اپنا لگانا ہے, جان بھی اپنی لگانی ہے, اور مال بھی اپنا لگانا ہے. کیونکہ جب انسان اپنا وقت لگاتا ہے, اپنا پیسہ لگاتا ہے, اپنا سب کچھ کرتا ہے, اور پھر جا کر کے نکلتا ہے اور وہ مسجد والے ماحول کے اندر ڈھلتا ہے, ابھی باہر کے ماحول میں وہ نماز تک بھی نہیں پڑھتا ہے, لیکن جب وہ مسجد کے ماحول میں آتا ہے, 5 وقت کی نماز اسے تکبیر اولا کے ساتھ ملتی ہے, تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے دین کی کتابوں کا مذاکرہ کرنے کے لیے مل جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کو کلمے یاد نہیں تھے, جن لوگوں کو نمازیں یاد نہیں تھیں, جن لوگوں کی زندگی بھٹکی ہوئی تھی,
वो लोग दावत और तबलीग के काम में निकले और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नमाजें याद हैं, उनकी जिंदगी अच्छी हो गई, लोगों ने हराम छोड़ दिया, लोगों ने शराब छोड़ दी, लोगों ने जुआ छोड़ दी। कितने वाकयात तो हमारे यहां के हैं कि वो लोग जो शराब के आदि थे, जब उनका वक्त लगवाया गया, और इसमें एक चीज का और दखल है कि अमीर का हिकमत को जानने वाला बहुत जरूरी है, हिकमत से काम करने वाला, हिकमत से काम करने वाला कि किस मौके पर कैसा काम करना है, यह चीज बहुत जरूरी है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो अमीर बन के चले गए और वो जमात में ले गए नौजवानों को और उनको टॉर्चर कर रहे हैं। वो नौजवान जो मोबाइल के आदि हो, जो गाने के आदि हो, शौकीन मिजाज हो, जो दिन भर उल्टे सीधे गुनाह के काम करते फिर रहे हो, अब उनको मस्जिद में ला करके बाज अमीर ऐसे होते हैं कि ढाई ढाई तीन घंटे उन्हें किताब सुनाते हैं, वो अहद करके आते हैं कि दोबारा नहीं जाना जमात में, इन्होंने तो हमारा बिल्कुल मामला बेड़ा गर्क कर दिया, वही घोस के बैठ जाते। ये हिकमत से हटे हुए अमीर लोग होते हैं। अगर आपके साथ में ऐसे लोग जा रहे हैं, ऐसे बच्चे जा रहे हैं जो नौजवान हैं और उनकी तबीयत यह है कि वो 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तालीम सुन सकते हैं, तो आधा घंटा ही किया, उनके मिजाज के मुताबिक काम किया जाए ताकि वो अगली दफा, अरे भाई पहले दिन उन्हें दीनदार बनाना ये हमारा बस का थोड़ी है, आदमी ये चाहता है कि एक ही दिन में सब कुछ करके डाल दे, और वो बजाय काम सही करने के और बिगाड़ के डाल देते। एक हमारे साथी हैं मौलाना अशफाक साहब, दारुल में पढ़ते थे हमारे साथ में, तो माशाल्लाह वो लगे हुए हैं जमात के काम में, तो उन लोगों को जमात में उन्होंने मेहनत की, ऐसे लोगों को लेकर के आए कि जिस इलाके में शराब का बहुत मामला उरूज पर था, लोग शराबी थे, तो उसमें 4-5 लोग जमात में ऐसे लेकर के आए, वो निकाल करके लेके आए कि जो शराब पीने के आदि थे। अब कुछ वक्त तो डॉक्टर से दवाई वगैरह दिलवाई, 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन तो चल गया, और जिनको शराब की आदत होती है वो तो बेचैनी हो रही उनको, अब वो उनको परेशान कर रहे हैं कि अमीर तो कैसे काम नहीं चलने का, देख भाई शराब तो चाहिए हमें, इसके बगैर काम नहीं होने का। भाई वो लेकर के आए हैं, उनकी जिंदगी संवारने के लिए लेकर के आए हैं, मस्जिद में लेकर के आए हैं, अब मौलाना परेशान, यार शराब का मामला कैसे करें। उन्होंने फोन किया निजामुद्दीन को, फोन किया उसने, मैं कहा हजरत ये सूरत हाल है, और चंद साथी ऐसे हैं और उनका कहना यह है कि देखो शराब तो हमें पीनी पड़ेगी, हमारी तो तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। तो देखिए वहां से ईमान कैसे बनाया जाता है, तो वहां से उन्हें बुजुर्गों ने जवाब दिया कि भाई मौलाना अशफाक साहब हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है, तुम जानो और अल्लाह जाने, क्या तुम्हारा मामला अल्लाह से कमजोर है, यहां क्यों फोन कर रहे हो, उससे कहो। देखिए कैसा ईमान मजबूत बनाया जा रहा है, यह है दावत और तबलीग की मेहनत कि उससे कहो। मौलाना कहने लगे कि वाकई बात तो बड़ों की बात बड़ी रहती है, बहरहाल अल्लाह से मांगा, उन नौजवानों को भी बिठाया, रोए उनके सामने रोए और अल्लाह से कहा कि अल्लाह ये तेरे बंदे हैं, मेरी जितनी मेहनत जितनी कोशिश हो सकती थी मैं कर लिया हूं, मैंने की है, लेकिन इनका दिल बदलना तेरे काम है। बहरहाल उन लोगों ने फिर वो शराब से तौबा कर ली। तो ये कारगुजारियां हैं दावत तबलीग की। लेकिन मेरे भाइयों पिछले कुछ दिनों के अंदर हमारे इस काम के अंदर बिगाड़, जिस अखलाक के साथ ये काम होना चाहिए था, जिस आजिजी के साथ ये काम होना चाहिए था, उस आजिजी और उस इखलास के साथ काम नहीं हुआ तो बिगाड़ा, तो अल्लाह ने गैरों को मुसल्लत कर दिया। अब गैर मुसल्लत हमारे ऊपर खड़े हो गए, आपने देखा होगा कि अभी पिछले हफ्ते में, पिछले जुमे में उस सऊदी अरब के अंदर खूब वबाल मचाया कि दावत और तबलीग वो जमात है जो कब्र परस्ती का काम करती है, इसके बुजुर्ग वो है जो कब्रों को पूछते हैं, ये सब धोखे की बातें हैं, कहां कब्रों को पूछते हैं। दावत और तबलीग की तो मेहनत ही इसलिए शुरू की गई कि कब्रों से बच करके, गैरों से बच करके अल्लाह से जुड़ जाए, जिसका काम ये है, जो बताते ये हैं कि भाई अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, अल्लाह ही से सब कुछ होता है, ये ईमान पैदा करना दावत और तबलीग का काम था। लेकिन जब हमारे काम के अंदर बिगाड़ आया तो अल्लाह ने गैरों को खड़ा कर दिया, मुसल्लत कर दिया, ताकि ये लोग सुधरें, इनके अंदर सुधार पैदा हो। अभी पिछले दिनों में आपने देखा था कोरोना के दौर के अंदर वबाल लाके खड़ा कर दिया,
इतनी बेहतरीन जमात जिसको कोई मतलब ही नहीं, जो किसी को बुरा नहीं कहते, जो किसी को तकलीफ नहीं देते, जो जाने के बाद मस्जिद के अंदर अखलाक सिखाते हैं, जो बताते हैं कि हम लोगों को चलना है तो कैसे चलना है, किसी के घर में दाखिल होना है तो कैसे दाखिल होना है, दावत देने जानी है तो आपको कुंडी बजानी है और दरवाजे से इधर हटके खड़ा होना है ताकि अंदर से कोई नजर ना आए, किसी की बेपरदगी ना हो, जहां इतना एहतराम किया जाता हो वो जमात किसी को क्या तकलीफ पहुंचाए। लेकिन हम ही लोगों में से कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दी, अखलाक खराब कर लिए, काम में लग गए और लोगों को डांट भी रहे हैं, लोगों के साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं, लोगों के माल भी दबा रहे हैं, तो लोगों ने समझा कि लो जमात का काम में लग लग करके काम गड़बड़ कर रहे हैं, तो जमात के काम में यही सिखाया जा रहा है। तो हम में से ही चंद लोगों ने जमात के काम को बदनाम कर दिया। और दरअसल ये बाहर और अरब के अंदर उन लोगों को जो अरब लोग हैं, अरब उलमा हैं, उनको जो गलत पैगाम दिया जाता है ये हमारे ही लोगों में के कुछ लोग जाकर के देते हैं जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, और ये अहले हदीस नहीं, ये खबीस होते हैं। और मैंने देखा है, मैं जब 2016 में उमरे को गया तो मैंने देखा मस्जिद नबवी के अंदर बाकायदा, और उसमें उड़ीसा के लोग सबसे ज्यादा, वो मौलाना जैसे बने हुए हैं, लाल रुमाल डाल लिया उन्होंने, जुब्बा कुब्बा पहन लिया, दाढ़ी रख ली माशाल्लाह, और ऐसे लगते हैं जैसे बहुत बड़े आलिम है, वो है कुछ नहीं। बस वहां उन्होंने रियाज में मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर अपना दाखला ले लिया, और दाखला लेने के बाद दावत के नाम पर कि ये लोग दावत का काम करते हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, और हिंदुस्तान के अंदर कब्र परस्ती बहुत ज्यादा होती है। अरब के जहन में ये तसव्वुर उन लोगों ने बिठा दिया है, और सिर्फ किस लिए कि बेहतरीन रियाल मिलते रहे, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को दावत का काम कर रहे हैं, लोगों को तौहीद सिखा रहे हैं, तो उनको रियाल मिलते रहते हैं, रियाल के लिए काम करने वाले खबीस लोग होते हैं। तो उन लोगों ने दावत तबलीग का जो एक तारुफ था वो गलत उन लोगों को कराया। मैंने देखा, मैं भी उनके साथ में गया, वो ऐसा करते हैं मगरिब के बाद में चंद लोगों को लिया, उन्हें मिले मस्जिद नबवी के बाहर, आइए आइए आइए, तो मैं भी उनके साथ में गया, मैंने देखो जाते कहाँ हैं, तो बाकायदा वो तहखाने में लेकर के गए मस्जिद नबवी के अंदर, मैं भी गया उनके साथ में। तो एक अट्टा कट्टा तकड़ा, वो आलिम जैसा, आलिम नहीं होते आलिम जैसा आदमी, वो नीचे गए। जाने के बाद में सबसे पहले वहाँ एक एप्पल का जूस, बेहतरीन जूस, कुछ किताबें, कुछ हदिया, वो रास्ते में उन लोगों को दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ लेके गए। अंदर ले जाकर के देखा तो वहाँ एक बहुत बड़ी टीवी की स्क्रीन लगा रखी है, और टीवी की स्क्रीन लगाने के बाद में फिर एक अरबी आलिम दीन आए, अरब के आलिम दीन, और वो अरबी में उन्होंने तकरीर करनी शुरू की, और स्क्रीन पे चला रहे हैं। ये जो बरेलियों के मजार होते हैं ना, वो कई मजारों पर आपने देखा होगा, कोई सजदा कर रहा है, कोई हाथ फैलाए हुए है, कोई चिपट रहा है, वो उधर आपने देखा होगा, कलियर में जाकर देखें आप कि किस तरीके से उल्टा सीधा बिदात का काम करते हैं। तो उन्होंने तमाम जगहों की 100-150 फोटो लेकर के और वो स्क्रीन में उसमें लगा रखी है, और वो अरब आलिम दीन गुस्सा हो रहा है, ये क्या तरीका है बताइए, हिंदुस्तान के अंदर ये लोग क्या करते हैं, वहां के लोग, वहां के उलमा कब्र परस्ती की दावत देते हैं। यानी तस्वीरें तो दिखाई बरेलियों की, और बदनाम किया दावत और तबलीग, क्योंकि दावत और तबलीग ये वाला काम करती है, और वो तर्जमा कर रहा उर्दू में, और मैं देख रहा हूं कि मैंने देखो ये मिसगाइड करते हैं ये लोग। तो ये गड़बड़ तबलीगी जमात की तरफ से उन लोगों ने फैलाया हुआ है, और इसमें उड़ीसा के लोग बहुत ज्यादा शामिल हाल है, वो लोग बहुत ज्यादा इसमें दखल अंदाजी करते हैं, और अरब लोगों को गलत तारुफ कराते हैं कि तबलीगी जमात ये काम कर रही है, ये काम कर रही है, ये काम कर रही है, जिसकी वजह से भी पिछले हफ्ते में तमाम जगहों पर और तमाम अरब की मस्जिदों के अंदर ये खुतबा दिया गया कि दावत और तबलीग ऐसी है वैसी है, और ये लोग शिर्क का काम करते हैं, इनके बुजुर्ग जो है शिर्क का काम करते हैं। ये सब लोगों ने गलत फहमी फैला रखी है, और सही सूरत हाल ये है कि सब दज्जाल के आने की तैयारी हो रही है। वो लोग, वो अरब लोग, वो अरबी लोग के जो जिन्होंने सहाबा के मजारात, सहाबा की बाकी चीजों को तोड़वा करके नेस्त तो नाबूद कर दिया कि कहीं लोग बिदअत ना करें, उन्होंने ही पिछले हफ्ते में सलमान खान को बुलाया, सलमान खान जो हमारा है फिल्म एक्टर है, उसको बुलवाया और उसके हाथ बतौर निशान अपने यहां महफूज रखे हैं म्यूजियम के अंदर। ये पिछले हफ्ते हुआ, पिछले जुमे को हुआ, दावत और तबलीग पे पाबंदी, सलमान खान को बुलाया गया, फिल्म का शो कराया गया रियाज के अंदर, उसके हाथों को, यानी उसका इतना एहतराम, इतनी मोहब्बत उससे। तो ये दुनिया अजीब तरफ जा रही है, ये किस तरफ जा रही है, सब दज्जाल के आने की तैयारी हो रही है, सब उसी के चेले बने जा रहे हैं, सब उसी के चेले बने जा रहे हैं। बहरहाल हमारा मकसद वो बताना नहीं है, हमारा मकसद ये है
कि हमारी वो दावत और तबलीग की मेहनत कि जिसे हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया, हमारे अफजलगढ़ के अंदर तो दावत और तबलीग का काम बिल्कुल जीरो की तरफ चला गया, वही पुराने चंद लोग जो लगे हुए हैं बस वही लगे हुए हैं। नौजवान और जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे हैं, जिनकी उम्रें बालिग हो गई हैं, वो लोग अपने वक्त को फारिग करके और किसी भी तरीके में से मेहनतों को बढ़ाएं और दावत तबलीग में निकलने का काम शुरू करें। जो इस मस्जिद के भी जिम्मेदार हैं वो खाली इसका नहीं, ये नहीं कि ईशा में बैठ गए मशवरा कर लिया हो गया काम, जाकर के गश्त करें, लोगों के पास जाएं और जमातें निकालें, 3 दिन की निकालें, 10 दिन की निकालें, चिल्ले की निकालें। अब इस काम को मेहनत के साथ करने की जरूरत है, क्योंकि उम्मत के अंदर बहुत ज्यादा वही बिगाड़ आ चुका है कि उम्मत इर्तिदाद का शिकार है, उम्मत की नमाजें याद नहीं है, लोगों के कलीमे याद नहीं है। लिहाजा वो लोग जो दावत और तबलीग के काम में लगे हुए हैं, जिनको कुछ होश है, दोबारा पूरे तरीके से मेहनत में लगकर और फिर लोगों के ईमान को बचाने की कोशिश करने की जरूरत है। तो करेंगे भाई, वक्त को फारिग करने की जरूरत है। इस दुनिया में वक्त नहीं मिला करता है, निकालना पड़ेगा वक्त। वैसे वक्त ज्यादा हो गया, एक वाक्य सुना करके बात खत्म करता हूं। हजरत मौलाना यूसुफ साहब, जो हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे थे, बंबई के अंदर एक जगह बयान किया और बयान करने के बाद में लोगों से तश्कील की कि भाई आप वक्त लिखवा दें आप। तो एक बहुत बड़े मालदार आदमी थे, सेठ जी थे, उनको वक्त लेकर के निकाल करके चंद लोग लेकर के आ गए थे, भाई हजरत जी आ रहे हैं आप बयान सुन लें। तो वो आगे बैठे थे, लोगों ने बहुत कोशिश की इनकी तश्कील हो जाए, तो हजरत ने कहा कि भाई वक्त लगवा दो, आप वक्त निकाल लीजिए, 10 दिन का वक्त निकाल लीजिए, अल्लाह के रास्ते में लगा देंगे। कहा कि नहीं हजरत, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मैं तो खाने के लिए भी बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल पाता हूँ और मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, मैं वक्त नहीं निकाल सकता हूँ, बड़ा मुश्किल है, मैं इंशाल्लाह फिर आगे चल करके कोशिश करूँगा। अगले दिन फजर के बाद में या जोहर के बाद में वहीं उस जगह पर जब जोर चल रहा था तो जनाजा आया। हजरत ने मालूम करा कि कौन है, किसका जनाजा है। कहने लगे हजरत कल जिसकी आप तश्कील कर रहे थे ये उसी का जनाजा है जिसको वक्त नहीं मिलता था, जिसको वक्त नहीं मिलता था खाने का भी, ये उसी का जनाजा है। तो देखो किसकी आंख कब बंद हो जाए कुछ मालूम नहीं, अपने वक्त को फारिग करो, अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करो और थोड़ा थोड़ा वक्त महीने के अंदर दीन के लिए भी निकालो। गांव के अंदर लोगों के ईमान महफूज नहीं है, जाओ और मेहनत करो उन लोगों के ईमान की, कोशिश करो कि उन लोगों को जाकर के दीन की दावत दो, उन्हें मस्जिद में लाने वाला बनाओ और अखलाक के साथ बनाओ। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों को समझने की और जज्बात के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा करो।